हेलो एवरीवन, तो रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आई है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपने आईटीआई की है तो डेफिनेटली आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 20% का कोटा मिलता है, यानी इसमें आपकी नौकरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो रेलवे की अप्रेंटिसशिप बहुत सारी आ चुकी हैं, ये उनमें से एक है ईस्ट रेलवे अप्रेंटिसशिप है। इसमें 1832 पद हैं। इसको 2 मिनट में हाईलाइटेड सारी चीज़ें समझ लेते हैं, बाकी आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पर मिल जाएगा। आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपको हाइलाइटेड पॉइंट्स समझा देते हैं क्या है और कौन कौन सी ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है, यह आप लोग समझ लीजिएगा। योग्यता इसमें क्या है, 10th+ ITI है और 10th में 50% मार्क्स जरूरी हैं। आयु इसमें 15 से 24 साल है। SC ST OBC इनको जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल 2 साल का, वैसे 3 साल और 5 साल का मिलता है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। फीस की अगर बात की जाए तो फीस आपकी 100 रुपये है, वो भी किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, वो भी बॉयज लड़कों के लिए। मतलब फीस रेलवे का हमेशा फिक्स ही रहता है कि 100 रुपये फीस होती है, वो भी जनरल और ओबीसी के लिए, वो भी लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए और SC ST के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। सामने आपको दिख रहा होगा आवेदन की तिथि कब से स्टार्ट है, 10 नवंबर से आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, यानी कि आपके फॉर्म भरे जाने लगे हैं। और कब ये इसकी अंतिम तिथि है, 9 दिसंबर, यानी कि 1 महीना आपके पास टाइम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने के अंतराल में। फीस की बात होगी, अब सिलेक्शन की बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा किस तरीके से, आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस होगा, यानी कि आपके 10th और ITI के मार्क्स को जोड़ के एक मेरिट बनाई जाएगी, उसमें अगर आप चयनित होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए। आपके देखिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, 1 साल का ड्यूरेशन होगा, 12 महीने आपको अप्रेंटिसशिप करना होगा। उसमें आपको हर महीने एक स्टाइपेंड मिलेगा, जिसको बोल सकते हैं सैलरी टाइप के, मतलब आप पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों मिल रहा है। अप्रेंटिसशिप का ये फ़ायदा होता है, पैसा और प्रशिक्षण आपको दोनों मिल रहा है, और साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है NAC का, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, किसी भी स्टेट से हो आप तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके चिंता की बात नहीं है। आपको अप्लाई करना है वो है www.rrcecr.gov.in पर, ये आपको वेबसाइट दिख जाएगी यहाँ पर। हाँ, तो स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपको हर महीने 7,000 से लेकर 8,000 आपको मिलेगा। अब मेन चीज़ कि आपके कौन कौन सी इसमें ट्रेड एलिजिबल हैं, वो आपको यहाँ पर देख लेनी है। दानापुर मंडल, मंडल के हिसाब से, जोन के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक और क्वेश्चन, क्या हम कई सारे मंडल में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दानापुर मंडल हो गया, धनबाद मंडल हो गया, DDU मंडल हो गया, इनमें क्या हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको केवल एक चूज़ करना होगा, एक ही मंडल चूज़ करना होगा। ठीक है, आप डबल में, डबल जोन में आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एक ही आपको जोन चूज़ करना होगा। तो दानापुर मंडल में आपकी कुल 10 ट्रेड हैं, ठीक है, वो आप सामने देख लीजिएगा। हाईलाइटेड जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ, बाकी आपको पूरा नोटिफिकेशन देख लेना है। सरकारी रिजल्ट पे आपको जाना है, वहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को पॉज करके अपना मंडल में जो ट्रेड है उनको देख सकते हो कि आपकी कौन सी ट्रेड है, ताकि आप अप्लाई कर सकें उस ट्रेड से। यहाँ पे टोटल 6 मंडल हैं और आपने सभी ट्रेड देख लिए होंगे कि कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल हैं, आपको ट्रेड सामने दिख गई है, आप कमेंट मत करना कि क्या ये ट्रेड अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सके। जो कुछ है आपके सामने, पूरा नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पर मिल जाएगा। बाकी अगर नोटिफिकेशन आप सरकारी रिजल्ट पर नहीं देखना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप का एक चैनल है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, और वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मैं डालती रहती हूँ, वहाँ पर हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हाईलाइटेड जो आपकी योग्यता, आयु, फीस, सिलेक्शन, सैलरी और भी जो भी आपके डाउट थे, वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा।